अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े अहम केस के ऊपर समाअत हुई और ये जो तसलसल जारी था हफ्ते की समाअत का, आज कंटिन्यू किया गया। हफ्ते के रोज जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम समाअत की, इसमें ये तायुन होना था कि जो डेप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग दी है वो सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले की रोशनी में दी गई है। इस रूलिंग के बाद से काफ़ी सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। एक जानब अपोजिशन की जमातें सरापा एहतजाज नजर आती हैं, तो उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी हुई, शुरू हुई, इसका आगाज़ हुआ, तो उस वक्त से हुकूमत के जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी शोर डाला हुआ है। इस वक्त देखा जाए तो दोनों अतराफ से लफ्जी गोलाबारी की जंग नज़र आती है और खास तौर पर अगर ये बात देखें तो एक दो रोज़ कबल पहले जो सूरत हाल तब्दील हुई, जब से देखा जा रहा है कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून का जो मीडिया सेल है उसने सोशल मीडिया के ऊपर एक भरपूर मुहिम का भी आगाज़ किया हुकूमत की जानिब से। इस वक्त इदारों को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर सवालात खड़े किए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है। इस पहराए में आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ना सिर्फ मरीम नवाज साहिबा बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो सरबराह थे और सियासी लीडरान थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और अपने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको सुन सकते हैं। तो मईशत के खराबी के सारे ताने बाने 2017 में जब आपने एक चलती हुई हुकूमत को, जिसमें हर इंडिकेटर माशी ऊपर जा रहा था, आपने उसको डिस्टेबलाइज किया, उसके ताने बाने भी कोर्ट के फैसलों से मिलते हैं। फिर ऐसे शख्स को इसी अदालत ने सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया, सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, उसने तारीख के सबसे बड़े झूठ बोले। 300 कनाल का जो बनीगाला का महल है उसको उसने रेगुलराइज कराया, उसने जाली दस्तावेजात कराए। इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। हम अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे, हम जरूर ये कहते हैं कि फुल कोर्ट वो केस को सुने। इज्तिमाई जितनी ज्यादा उसमें इज्तिमाईत होगी उतना ही कुछ उम्मीद हमें लग जाएगी कि हां फैसला जो है मेरिट पे होगा। हमने एक दिन के लिए भी ना वायलेंस अपनाया, ना किसी को गाली दी, ना किसी शहर को जलाया। हमने 4 साल इनके जुल्म के बावजूद, जहां मरियम शरीफ साहिबा को जेल में डाला गया, जहां फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल बेड से, इसी इस्लामाबाद से ईद की रात हॉस्पिटल बेड से घसीट के जेल में लिया गया, जब सदर जरदारी को जेल में अपना दवाइयां नहीं मिल रहे थे, तो यही अदालतें हमारे केसेस नहीं सुनते। हमारे इदारे, हमारे जमहूरियत, हमारा आईन के खिलाफ जो साजिशें हैं वो कामयाब नहीं होंगे। वो इसलिए को अपना अदारा बचाने के लिए हमारा अदलिया फैसला करेगा कि सारे के सारे जज साहिबान जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स हैं वो बैठेंगे और ये केस सुनेंगे। और जब सारे जजेस उस कोर्ट में होगा तो फिर मेरे वर्कर्स के लिए, यहां जो सारे जमाते हैं उनके सारे पार्टियों के लिए, अपने लोगों को कहने के लिए वील हैव समथिंग टू से कि ऑल द जजेस आर लिसनिंग टू द केस, और जो भी उनका फैसला होगा फिर हर पाकिस्तानी को वो फैसला कबूल। तो जैसा कि आपने देखा कि किस अंदाज से इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इस वक्त इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और किसी ना किसी तौर पर यह भी समझा जा सकता है कि हावी होने की कोशिश की जा रही, शायद गालबन ये तासर भी दिया जा रहा है कि अगर फैसला उनके हक में ना आया या फुल बेंच की जो उनकी जो एक इस्तदा है अगर वो ना मानी गई तो वो पूरी तौर पे अदालती फैसलों का बॉयकॉट करेंगे। तो ये जो सूरत हाल थी ना सिर्फ नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया, बल्कि इसके बाद जो आज अदालत में समाअत हुई, इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि जो अदालत ने समाअत पिछले हफ्ते जो जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से आगाज़ होता, लेकिन आज जब अदालत के जो समाअत का जो इब्तदा हुई, जो आगाज़ हुआ, उसको यह असर नौ तरतीब दिया गया। और अब बहस ये नहीं है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग क्या थी, बल्कि अब फैसला ये होगा कि क्या इस फैसले के ऊपर या इस केस का जो फैसला है वो फुल बेंच की जानिब से होगा या इसके ऊपर कुछ और मामलात होंगे। इसी हवाले से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर साफी तजिया कार, सर इनसे जानते हैं कि आज जो अदालती मामलात हुए हैं उसके ऊपर इनका क्या कहना है। जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जहांगीर साहब, आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान में लाकानूनियत और एक अदम तहफ़ अदम यकीन पाया जाता है, मुझे बताए ना कि जो सूरत हाल आपको नजर आ रही बज़ाहिर, ये किस तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ये नहीं देखा जा रहा है कि किन हालात में ये सब कुछ हो रहा है, अब करंसी हमारी कहाँ पहुंची हुई है, अब मार्केट हमारी कहाँ पहुंची हुई है, कीमतें हमारी एक एक दिन जो है खतरनाक हो रहा है और तबाही की तरफ जा रहा है, और यहाँ ये खेल खेले जा रहे हैं कि वो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस साथ चल रही है और जो ये हेयरिंग के साथ साथ चल रही है, ठीक है ना? कोई अदब एहतराम भी होता है ना कि आप जो है पहले ये कहते थे कि ये जब कंटेंट होगा, जब एक कार्रवाई होती है तो इसको हो जाने दो, आप उधर से प्रेशर भी ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे डिले हो रहा है, ये डिले टैक्टिक्स के तौर पर है। अभी जो चीजें बहुत क्लियर नजर आ रही है उसका फैसला हो जाना चाहिए ना। लेकिन जानकी साहब, आज ये जो फैसला होने जा रहा है, ये तो फैसला बनता ही शायद इस द्वार से नहीं था ना, कि पहले तो ये तयन होना चाहिए था कि जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग जारी की गई, वो रूलिंग किस कानून के तहत की गई, किस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराए में की गई। आज तो इसके ऊपर गुफ्तगू ही नहीं हो रही, आज तो फैसला ये हो रहा है कि क्या इस केस को फुल बेंच सुनेगा या यही मौजूदा बेंच इसके ऊपर समाप्त करेगा। इतनी हैरत अंगेज बात है कि पैरल एग्जाम्पल होती है अदालतों में, जो कार्रवाई होती है उसकी नजीर होती है, उसको मिसाल बना के अब जो है कोर्ट अपने फैसले सुना देती है। लेकिन मसला ये है कि एक नए जो है उसमें डाल दिया गया, उलझन में डाल दिया गया कि पहले ये फैसला होगा कि डिप्टी जो स्पीकर है वो चाहते थे क्या थे, उन्होंने पैराग्राफ का मतलब कहाँ से अखज किया है, ये इस बहस से निकलते ही अब ये बहस शुरू हो गई है कि जनाब अभी ये फुल कोर्ट के हेयरिंग करेगी या जो ये तीन जज हेयरिंग करेंगे, इससे क्या होगा, डिले होगा, डिले होगा तबाही होगी। आज 1.5 रुपए जो है डॉलर बढ़ गया, 230 पे पहुंच गया, अगर ये 6 दिन इसी तरह रहता है या 1 हफ्ते रहता है या इससे ज्यादा रहता है, तो अभी तो हेयरिंग का ही कह रहे हैं ना, ये हेयरिंग होगी, फैसला होगा, ये तीन जज भी हेयरिंग करेंगे, टाइम लेंगे, टाइम कंज्यूम करेंगे, और जो है वो अगर ब्रॉडर बेंच पड़ता है तब तो ज्यादा। लेकिन जहांगीर साहब, अगर फुल बेंच की इस्तदा भी करनी थी तो बेहतर ना होता कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अदालत में पेश होते और वो पहले इस बात का जवाब देते कि उन्होंने ये जो अपनी रूलिंग सुनाई है वो किस कानून के या किस फैसले के तहत सुनाई है, फिर इस्तदा की जाती कि अगर चाहे फुल बेंच हो या कोई और बेंच इसकी समाप्त कर तो फिर तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन डिप्टी स्पीकर तो वो पेश ही ना हुए, अजीब सूरत हाल है। सब ये तस्लीम कर रहे हैं, जितने एनालिस्ट हैं ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि ये बहुत ही एम्बिगस पसंद की उलझा वाले बयान आते हैं कि कागज पहले की तरह वो चोरी की तरह निकालते हैं, दिखाते हैं, और किसी की तस्दीक नहीं होती किस तरह आया ये, शौजी शुजात ने किसको भेजा, किसके थ्रू आया, और ये है भी, इसकी तस्दीक भी, उनका टेलीफोन हम मुझे आया तो टेलीफोन करके मैंने पूछ लिया ये सही है गलत है, टेलीफोन करके आप पूरी प्रोसीडिंग चलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीजें, वक्त जाया करना है, उलझाव पैदा करके रखना है, और इख्तदार की कुर्सी पे जो भी बैठता है वो बैठता जाए जहन्नम में, कौम उसकी इक्तसादी हालत देखें, और वो जो है वो उस कुर्सी पे विराजमान होता है, कोई नाकाबिले रहम सूरत हाल है इनकी तरफ से जो इख्तदार की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। इसमें ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका कोई काबिले तहकीम जो है वो रोल नहीं नजर आ रहा। अभी वहां 15 मिनट में चीजें होने वाली है, यहाँ प्रेशर में ले रहे हैं, आप बयान दे रहे हैं कि यूं हो जाना चाहिए, यूं तो आप डिक्टेशन दे दें, आप बोल दें, अभी कह भी दिया उन्होंने राणा सनाउल्ला ने, उन्होंने कह दिया कि वो अदालती फैसले का बॉयकॉट करेंगे अगर उनकी इस्तेदार कबूल ना की। हम तीन को तो मानते नहीं है, जब तक अदालती फैसले का बॉयकॉट करना है तो पहले दिन आप ये करते ना कि हम बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि जजों पे आपको हमेशा इतराज है, वो वाले जज तो, और उसकी वजह भी ये है कि उसमें कई बेंचेस में वो बैठे हैं और उनको यकानियत लगती है उनके फैसले पे और उनके खिलाफ लगते हैं, तो पहले दिनों चाहिए आप वक्त जाया कर रहे हो और वक्त कौम का जाया कर रहे हो, आपके चेहरों से लग रहा है कि कौम कितनी परेशान है, आपने कितना आप इसमें गेम में मस्त नजर आ रहे हैं, इधर के या उधर के क्या कर रहे हैं यार। लेकिन जहांगीर साहब, आपको नहीं लगता कि जहां
हमने देखा कि एक मुख्तसर से अरसे में डॉलर की कीमतों में 50 रुपए तक का इजाफा हो गया, रुपए ने अपनी कदर को बहुत तेजी से खोया, अमन की तक पहुंच गया सर अभी एक हफ्ते में। सर यही तो देखे ना, अब ऐसी ऐसी सूरत हाल में जब हम एक संगीन आईनी बहरान देख रहे हैं, इस आईनी बहरान का जल्द अज जल्द हल होना कितना जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। विद इन दी जो ना आर्ट्स होना चाहिए था, इतना 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 उलझन है, हर चीज की मिसाल आपके नजीर मौजूद है, आप इतने माहिरीन मौजूद है, दस दस तो जो है वो सदर है आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के जो एसोसिएशन है इनके सदर खड़े हुए बयान दे रहे हैं जी। और जो इबर की भी बड़े जबरदस्त दलाइल आ रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने, ऐसी कौन सी महारत कार है किस आदमी से आप पूछना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं आप कि जिसकी बुनियाद पर आप आगे चल सकें। इससे अच्छे तो पहले का काजी निजाम था कि वो जो है वो चंद चीजें देखते थे और फैसला सुना देते। हमारी पूरी कौम जो है सूली पर चढ़ी हुई है, किसी को फिक्र है किसको बोले हम, हर एक की अपनी इज्जत है, अवाम की और कौम की इज्जत ही नहीं है। वो कहते हैं कंटेम्प्ट का कोर्ट हो जाएगा, ये कहते हैं आप कौन से गद्दारी करेंगे, अभी कहां खड़े हैं यार। जांगी साहब आपने एक बात की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और एक सवाल मेरा यहाँ पे ये भी बनता है कि डिप्टी स्पीकर को चले क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर उनको इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का मॉरल करेक्टर तो एक बात का की तरफ इशारा करता है कि उनको अदालत में होना चाहिए। और दूसरा ये भी बताए ना कि अगर डिप्टी स्पीकर जो कि कह रहे हैं कि उन्हें खत मौसूल हो गया था, अभी तो इस बात में क्लैरिटी नहीं कि खत कब मौसूल हुआ, कितनी देर पहले मौसूल हुआ, क्या वोटिंग के बाद मौसूल हुआ, और अगर डिप्टी स्पीकर साहब को एक खत मौसूल हो गया था तो बेहतर नहीं था कि वो इसके बारे में ऐलान कर देते, ना कि उसको जेब में रखते बिला वजह सनसनी क्रिएट करते। एक होता है जब आप पब्लिक हाउस में होते हैं, ऐवान में होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है ना हाउस में होते हैं, तो आपको हाउस के सामने बताना पड़ता है दस्तावेज कि ये दस्तावेज आइए, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इसके मुताबिक मैं फैसला दे रहा हूँ। जज भी ये कहते हैं, बुनियाद फराहम करते हैं, कानूनी बुनियाद फराहम करते हैं। अभी तो ये ही नहीं जज बता पा रहे, उनके वकला नहीं बता पा रहे कि पैराग्राफ एक के तहत दिया, दो के तहत दिया, चार के तहत दिया, तीन के तहत दिया। अब वो कह रहे हैं बस हमने जो है ये देखा और कोर्ट के मुताबिक फैसला कर दिया, तो ये सारा तमाशा क्यों हो रहा है अगर इतना ही आसान है तो। और जांगी साहब आखिरी बात का जवाब दीजिएगा, आपकी नजर में अगर ये फैसला फुल बेंच सुनता है, जो कि एक इस्तदा भी है हुकूमत की जानिब से कि फुल बेंच ये सुने, अगर तो ये मामला फुल बेंच की तरफ चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर पहले तो ये बता दें कितना अरसा इसको दरकार होगा कि ये मामला हल हो जाए, क्योंकि एक बहरानी कैफियत तो है। दूसरी जानिब ये भी समझाएं कि क्या वजह है, आपको क्या नजर आता है कि फुल बेंच जब ये समाप्त करेगा तो क्या हुकूमत को ऐसा नजर आ रहा है कि उनको एक रिलीफ भी इसमें शायद होता हुआ नजर आए, क्योंकि फुल बेंच में भी ये जो मौजूदा तीन जजेज हैं ये भी मौजूद होंगे, तो सूरत हाल तो तब्दील ऐसे होने की नजर नहीं आती। मेरे भाई बिल्कुल आपने सही कहा, जितने जो है दिमाग होंगे उतनी राय भी आएगी, उतनी इंटरप्रेशन आएगी, तशरीहात होंगी, वजाहतें होंगी, एक नया जो है हम बॉक्स खुल जाएगा। तो फिर इस तरह तो ये जो है सबसे अहम तरीन बात ये थी कि इन्होंने जिस तरह एक दिन में इन्होंने हियरिंग का आगाज किया था, रात को पिटीशन आई हम तहरीक की तरफ से, इमरान खान की पार्टी की तरफ से, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से, और दूसरे दिन उसकी हियरिंग हो गई। अब जब हियरिंग हो गई तो ये तो आम जो है वो चली जाए, आपको तो कोई सिरा ही नहीं है कि कब फैसला हुआ क्या है। अभी 35 हो गए, अब तो जो बात हो रही है अभी तो ये आ जाएगा, अभी सिर्फ ये आएगा कि ये जनाब ब्रॉडर बेंच करेगा, फुल बेंच करेगा, या तीन जजेस करेंगे, कितने अरसे में करेंगे, कौन उसके फरीक होंगे, किस बुनियाद पे ये होगा, किनको मजीद जो है आर्ग्यूमेंट का मौका दिया जाएगा, कुछ नहीं मालूम। अगर फुल बेंच करता है तो फुल बेंच इतनी जल्दी फैसला कर ही नहीं सकता इस बात का, उसमें चुनाव वो आती है, एनोमल भी आती है, और दूसरे की राय होती है, हर एक की एक आर्गुमेंट होती है। अब वो किसी और हाईली ये जो 17 जज होते हैं उसमें तो शायद 14 जज जो इस वक्त हैं, तो 17 जज के या 14 जज के ये जो बेंच बैठेगा तो फिर वो किस तरह बहस किस तरह होगी और कितने इन्वॉल्वमेंट होगी और आर्गुमेंट्स के लिए कितने
अभी नए दर खुल जाएंगे। जहांगीर साहब, ये यकीन तौर पे मजीद क्योस पैदा करेगा और ज्यादा कंफ्यूजन भी होगी, लेकिन अगर अब क्योस पैदा किया जा रहा है, डेलिबरेटली हर तरफ से किया जा रहा है, आप पैदा करेगा नजर नहीं आ रहा। जहांगीर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब इस मौके के ऊपर मुल्क से वतन से रवाना हो चुके हैं, गालबन ये इतलात हैं कि वो दुबई जा चुके हैं, और शायद इस तरह की भी कुछ इतलात हैं, मुतजाद दी सही कि, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब हैं वो भी शायद मुल्क में मौजूद हैं, यानी इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। मुझे ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी का मुल्क से बाहर चला जाना क्या कुछ नए मामला की तरफ इशारा दे रहा है? देखिए, उनको एक उन्होंने एक एज बना के हो गए हैं कि वो ये कहते हैं कि उनके फारूक नायक तो उनके जो वकील हैं उनको उन्होंने कहा था कि पिटीशन में मुझे शामिल किया जाए और मैं अपनी पार्टी के जो है मौकिफ को रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन वो कोर्ट ने उनको इजाजत नहीं दी और वो 11 बजे फारिग हो गए। तो उनकी तरफ से अगर कुछ सवाल उठाए जाते जरदारी साहब के बारे में तो फिर उसके जो वो जवाब दे भी होते हैं वो आते या नहीं आते या कंटेंट, लेकिन सियासी सूरत हाल को अगर मद्देनजर रखा जाए जहांगीर साहब, अगर आसिफ अली जरदारी साहब जो कि इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड है उनका इस वक्त मुल्क में ना होना आपको नहीं लगता ये कुछ अलग सी बात है? ताज्जुब नहीं होता आपको इस बात में? यार ये तो हमारी बदकिस्मती में टेंशन है, कौन टेंशन लेता है भाई, जो ठीक है जो कुछ हो गया हो गया, अभी जो है ना हवाखोरी है एक थोड़ी है, अभी तो बहुत सारे लोग जो है ना वो होंगे नहीं, यहाँ ये तो चलता रहता है सर, ये मुल्क तो बस क्या बताएं, बस ऐसा ही है कि एक आ भरे और आहें निकले और इन जालिमों को जरूर लगे। ठीक हो गया जहांगीर साहब, आपके मौका का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद भी आने वाले दौर में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी अहम है कि जो सूरत हाल है वो कशीदा होती जा रही है मुल्क में, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल बहुत संगीन हद तक गैर मुस्तहकम नजर आती है, तो वहीं पर अगर मुल्क में एक आइनी बहरान नजर आएगा तो फिर सूरत हाल किस तरीके से आगे बढ़ेगी। हुक्मरान की अगर बात करें तो मौजूदा हुक्मरान इस वक्त पूरी तौर पे इस अहम मौजू के ऊपर मरकूज नजर आती है, उनकी तवज्जो के किस तरीके से पंजाब में वो अपने वजीर आला का दिफा कर सकें और पंजाब में अपनी हुक्मरानी को कायम रख सकें, लेकिन अगर यहाँ पे अगर नजरें ना हटाएंगी माशी सूरत हाल के ऊपर काम ना किया गया तो आने वाले दिनों में ये जो नतीजे हैं इस फैसले के, चाहे जो भी हों, लेकिन इस फैसले के पीछे जो कुछ मामला चल रहे हैं पर्दा जो सूरत हाल चल रही है माशी लिहाज से वो शायद बेहद संगीन होती जाए और पाकिस्तान को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं प्रोग्राम में। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे उस हवाले से गुफ्तगू भी जारी है। आज जो कुछ हुआ और खास तौर पे जो फुल बेंच की इस्तदा की गई जिसको बाद में अदालत ने इस वक्त के लिए कुछ हद तक के लिए मुलतवी कर दिया या मुस्तरद कर दिया है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें काजी समीउल्लाह साहब जो कि सीनियर साफी जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, जरा इनसे जानते हैं कि आज जो कुछ अदालत में हुआ क्या वो एक्सपेक्टेड था? ये जो सीरीज हुई जिस अंदाज से केस का रुख मोड़ने की कोशिश की गई इस हवाले से जानते हैं। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब, आज जो अदालत का जब आगाज हुआ सुबह सुबह से क्या यही कुछ एक्सपेक्टेड था कि हम ये सब सुनेंगे कि क्या फुल बेंच सुनेगा, मौजूदा बेंच सुनेगा, या सवाल ये होना चाहिए था कि जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब की रूलिंग थी वो किस पैराए में थी? देखिए, आज अगर ये देखा जाए कि जहां तक पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला है जी, तो उस मामले को इस हद तक नहीं छेड़ा गया। आज मामला एक नया खुल गया था, फुल कोर्ट का मुतालबा जो था हुकूमती इतिहाद का कि इस मामले को, इस केस को फुल कोर्ट का बेंच बनाकर जो है वो सुने जी। तो आपने देखा कि जिस दिन हमजा शहबाज का वजीर आला का जो इंतखाब हुआ उस रात जो है फिर पहले पीटीआई लिबर्टी चौक कोची लाहौर और मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने जो है मुजाहरे भी किए, एहतजाज किया, लेकिन उसके दूसरे दिन आपने देखा फिर नून लीग मैदान में आई, उसने एहतजाज किया और वही लिबर्टी चौक और दीगर हिस्सों में जो है उसने एहतजाज किया और उसमें जिस तरह के उनके रहनुमाओं ने जो तकरीरें की अदालत के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि अब अदालत बहुत ज्यादा मोहतात हो गई है और वो और जिस तरह के दलाइल आज पेश किए गए हैं हुकूमती वकला की तरफ से, डिप्टी स्पीकर के वकील का तो ज्यादा मौका नहीं हुआ क्योंकि आज वो फुल कोर्ट का मामला ज्यादा रहा, तो इसी तरह अली जफर जो है चौधरी परवेज इलाही के जो वकील है उन्होंने भी अच्छे दलाइल दिए, तो मामला अब फुल कोर्ट पर आकर रुका है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला पीछे चला गया है फिलहाल।
लेकिन अभी तो कुछ देर के लिए मामला भी मुलतवी हो चुका है कि जिस अंदाज से चीफ जस्टिस ने बात कह दी कि मौजूदा बेंच ही फिलहाल इस केस की सुनवाई करेगा। बिल्कुल, देखें ये असल में फुल बेंच का जो मामला होता है ये बड़े गैर मामूली हालात, बड़े मारूजी हालात जब होते हैं उस सूरत में, उस तरह का कोई केस हो, इस तरह का केस हो तो उसमें होता है। आपने देखा होगा गुज़श्ता कई सालों की तारीख में 2 से 3 मर्तबा ही फुल कोर्ट बने। तो क्या आपको लगता है, क्या काजी साहब जरा समझाए ना, क्योंकि आवाम समझना चाह रही है कि हुकूमत का अचानक से फुल बेंच की इस्तदा करना, ये क्या वजह बनती है कि हुकूमत ये फरमाइश कर रही है? देखिए, हुकूमत ये समझती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ जो 2 जज हैं, मौजूद जज साहिबान हैं, वो उन्होंने अब तक जितने भी केसेस के फैसले किए तकरीबन वो इनके इनके खिलाफ गए, तो वो इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि वो अदम एतमाद का शिकार है और वो ये चाहते हैं कि फुल कोर्ट अगर बैठती है तो उसमें गैर जानबदारी का अंसर जो है वो ज्यादा होगा। अब वो मेरा अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। क्या इसके पीछे ये वजूहत भी हो सकती है कि हुकूमत चाहती है कि थोड़ा और टाइम गेन किया जा सके, या किसी ना किसी फुल बेंच में आपको पता है कि जो फैसला होगा, हो सकता है कोई एक जज या 2 जजेस इस फैसले से मुतजाद राय भी दें, तो जिसको बाद में इलेक्शन के दौरान या पोस्ट इसके नतज के बाद कुछ आवाम के सामने रखा भी जा सके? बिल्कुल नमन साहब, आपने जो बयान किया असल में दरपर्दा मामला यही है, ये सारी गेम थ्योरी होती है, ये सारा जो है गेम थ्योरी ही इसलिए होता है कि टाइम गेन किया जाए। और आपने जो बात की बिल्कुल बजा, आपका तजिया बिल्कुल दुरुस्त है इस हवाले से, दरपर्दा मामला यही है कि हुकूमत जो है वो टाइम गेन करना चाहती है, और अगर फुल कोर्ट बन जाता है और उस सूरत में जिस तरह आपने कहा कि जाहिर है वो मुत्तफिका फैसला होता है या नहीं होता है, अगर इजाफी नोट आते हैं या इख्तलाफी नोट आते हैं तो उससे बड़ा आवाम को कुछ ना कुछ बेचने के लिए, आवाम के सामने रखने के लिए कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा ही। ये जरा समझाना काजी साहब, आप तो सीनियर साफी हैं, जो गवर्नमेंट की जानिब से प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है, हम देख रहे हैं कि 2 दिन से ट्विटर के ऊपर जो एंटी कोर्ट्स एंटी जुडिशरी एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, पाकिस्तान के मौजूद जज साहिबान के ऊपर भी काफी कुछ बातें की जा रही है, तनकीद की जा रही है और बिलो द बेल्ट जाके बातें की जा रही है, ये जो रवैया है हुकूमत की जानिब से ये आपको दुरुस्त नजर आ रहा है? देखिए, दुरुस्त है या नहीं है ये एक अलग बहस होगी, लेकिन ये देखा जाए कि ये जो अभी मौजूदा सियासत है, मौजूदा सियासत में इदारों को दबाव में लाने की सियासत कौन कर रहा है, ये बीज किसका बोया हुआ है, जिसका बोया हुआ है ये उसी के सामने आ रहा है। अब आप उस दरपर्दा लाइन में समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए। और ये जो खास तौर पे अगर हम देख रहे हैं कि एग्रेसिव स्टांस है, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां ये कह के बेचा जा रहा है कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां देंगे, ये सूट करता है इस तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को भी सूट नहीं करता। देखिये, जहां तक एंटी स्टैब्लिशमेंट मामला है वो तो होना चाहिए, आप स्टैब्लिशमेंट को कमजोर से कमजोर, बट दानिश्ता तौर पर सिर्फ टारगेट करना। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को और जो हमारी तौर पर बुनियादी इदारा जो हमारा फौज का है उसमें तमीज होनी चाहिए, उसमें फर्क होना चाहिए। आवाम को इस हवाले से जो है और सियासतदानों को फर्क करना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये नहीं कि मुकम्मल पूरी की पूरी फौज, हमारा जो रियासती इदारा है, जो हमारा दिफाई इदारा है, उसको आप तनकीद का निशाना बनाए। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद तो चंद लोग होते हैं ना जी, जो अशराफिया होते हैं, जो चंद लोग होते हैं उसमें, वो आर्मी के लोग भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है और दीगर इदारे भी हो सकते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट एक मजमूए का नाम है, एस्टेब्लिशमेंट किसी एक इदारे का नाम नहीं है, तो लिहाजा ये फर्क होना भी जरूरी है। और ये किसी तौर भी पाकिस्तान की जो मुआशी बदहाली है, फिर हमारे जो खारजा मामला दुनिया के साथ चल रहे हैं, फिर दूसरा हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ जो मामला है, जो खारजा पॉलिसी है, वो शदीद मुतासिर हो रही है और वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं इस हवाले। और काजी साहब, ये भी जरा इसके ऊपर वजाहत कीजिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में शदीद बारिशें जा रही हैं, मुल्क का अक्सर हिस्सा डूबा हुआ है, लेकिन इस वक्त हुकूमत का पूरा जो ध्यान है वो मरकूज है इस केस के ऊपर, आपको लगता है कि ये जो आईनी बहरान है ये पाकिस्तान की आवाम को और कुछ अरसा भुगतना पड़ेगा, इसमें क्लैरिटी आना इतना आसान नहीं होगा, पेचीदा मामला है? देखे आप, ये देखे जब से हमारे यहाँ हुकूमतें बनी हैं, खासतौर पर 70 के बाद आप देखें तो हमारे समाजी मामलात हमेशा नजरअंदाज हुए हैं और सियासी मामलात को हमेशा फोकस दी गई है, और अब भी यही रविश बरकरार है, तो लिहाजा सियासी मामलात को मुकदम रखा जा रहा है। जब समाज ही आपका बिगड़ चुका होगा, समाज ही आपका तबाह हो चुका होगा, तो आपको रियासत जब आपके हचकोले ले रही होगी तो आप आइन का और कानून का और सियासत का फिर करेंगे क्या, किसके साथ सियासत करेंगे, किस पे आइन इंप्लीमेंट करेंगे और किस पर कानून नाफिज करेंगे आप?
और काजी साहब, ये जो डिप्टी स्पीकर का आज भी अदालत में पेश ना होना, हफ्ते के रोज भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि डिप्टी स्पीकर अदालत में पेश हो, ये बात वाज़ेह कि उनको मुस्तस्ना भी है, वो चाहे तो अपना इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उन्होंने किया, लेकिन क्या पेश हो जाते तो शायद ये जो धुंध है ये कुछ हद तक छट नहीं जाती, सूरत हाल कुछ वाज़ेह ना हो जाती? मेहमद साहब, ये जरा नुकता बड़ा वो है, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। अगर देखिए, पार्लियामेंट का नुमाइंदा, चाहे वो स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, अगर वो अदालत में पेश होता है तो ये एक रिवायत बन जाएगी। तो अच्छा है, मैं ये समझता हूं कि अगर डिप्टी स्पीकर अदालत नहीं आ रहे और अदालत आने के बजाय अपने वकील को पेश कर रहे हैं, और अगर कोई आगे जाके जरूरत पड़ती है तो अपना बयान अगर रिटर्न में तहरीरी ये वो देते वो ज्यादा बेहतर है। अगर डिप्टी स्पीकर, मैं ये समझता हूँ, मैंने पार्लियामानी उमूर की रिपोर्टिंग की है और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ और हमारा आईन भी पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करता है, तो अगर डिप्टी स्पीकर इस तरह के मामलात में अगर कोर्ट में पेश हो गए तो ये एक रिवायत बन जाएगी और आए दिन जो है वो फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती कहाँ खड़ी होगी, फिर अदालत तो आए रोज बुलाएगी। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का जो उस दिन का जो एक वर्डिक्ट है उसके ऊपर तो अभी भी सवालात मौजूद, अब तो ये भी सवाल किए जा रहे हैं कि जो खत डिप्टी स्पीकर को मौसूल हुआ कि वो खत कब मौसूल हुआ, कब मौसूल नहीं हुआ, उन्होंने अपनी जेब में क्यों रखा, तो क्या ये सारे सवालात के जवाब देने में आसानी ना होती क्योंकि डिप्टी स्पीकर खुद इसकी कोई वजाहत कर देते? नहीं, डिप्टी स्पीकर अपने वकील के जरिए वजाहत कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब तरीका है। ये मुनासिब आपको लगता है कि ये काफी होगा आने वाले दिनों में इसके ऊपर? पार्लियामेंट की बालादस्ती का तकाजा यही है कि ये मुनासिब तरीका। आपने देखा डिप्टी कौमी असेंबली की डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में कासिम सूरी को, यानी कोर्ट ने बुलाना तो दूर की बात, उसको नोटिस भी जारी नहीं किया था उसकी वजह भी यही थी। तो काजी साहब, आपको आपके सामने सारी सूरत हाल तो है, जा रहा है जो उस दिन की रूलिंग थी, अगर उसकी रोशनी में, उसके पहराए में और आज जो समाप्त हुई है, जो अभी तक जो अदालती रिमार्क सामने आए, आपको लग रहा है कि ये सूरत हाल किसी करवट ये बैठने जा रहा है ऊंट? देखे, दो सूरतें हो सकती है, या तो आगे जाके हुक्मरान इत्तेहाद अगर उनके खिलाफ फैसला जाता है या वो समझते हैं कि हमारे खिलाफ फैसला जाने वाला है, तो उस सूरत में उनके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि वो पंजाब असेंबली को तहरीर करें, लेकिन इस पोजीशन में तो पंजाब असेंबली को तहलील नहीं कर सकते ना कि वजीर आला उनका नहीं। ये मैं बता दूं, वो ट्रस्टी की बात ये है, ट्रस्टी के वो रूटीन के मामला देखेगा, ये इस वजीर आला के खिलाफ आदम एतमाद का मामला नहीं है, वो आइन जो कहता है वो आदम एतमाद के बारे में कहता है कि जब किसी सीएम के खिलाफ या पीएम के खिलाफ अदम एतमाद आ जाती है तो वो असेंबली तहलील की तरफ नहीं जा सकता जब तक ये। अच्छा, इस मामले में तो आईन खामोश है ना। अच्छा, इसके ऊपर अगर ऐसा हो भी जाता है, आपका सवाल वैलिड है, ऐसा हो जाता है तो फिर मामला अदालत से। ठीक, और इसके अलावा क्या हुकूमत के पास गवर्नर राज लगाने का कोई ऑप्शन? गवर्नर राज, दूसरा ऑप्शन गवर्नर राज हो सकता है। ठीक, हो गया कुछ तो ये है। और क्या आपको लगता है कि मौजूदा क्या ये हमजा शहबाज साहब की जो वजारत आला है उसके बरकरार रहने की, क्योंकि आप तो सीनियर साफी जानते हैं पार्लियामानी उमूर के हवाले से, आपको लगता है कि ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है ये बरकरार रह सकेगी? ये इस मामले में आप बेहतरीन तजिया इस वक्त जो हो सकता है वो यही है कि मामला 50-50 कहीं भी जा सकता है, 50-50 कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल इस तरह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हाथ में तौर पर कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया काजी समीउल्लाह साहब, हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के नामवर सीनियर साफी है, और जो अपनी माहिराना राय थी उसके बाद से भी आगाह कर रहे थे, लेकिन सवालात ये हैं कि आईनी बहरान तो है, और आईनी बहरान जब जन्म लेते हैं तो वो इतनी जल्द हल होते हुए नजर नहीं आते। पाकिस्तान में जो मौजूदा सिनेरियो है उसकी अगर इसको अगर देखा जाए, इस वक्त पाकिस्तान बड़े सारे मामलों में मुश्किलात में घिरा हुआ है। एक जानब इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में शदीद बारिश है जिससे एक आम आदमी बहुत हद तक परेशान है, कारोबारी तबका इस वक्त बहुत हद तक परेशान है क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी तौर पर मशीनरी फाल होती हुई नजर नहीं आती। दूसरी जानब अगर डॉलर की बात करें तो रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट और डॉलर मजबूतर होता जा रहा है। गुज़िश्ता चंद माह में डॉलर की कीमत में कदर में 50 रुपए तक का इजाफा हुआ और ये एक नया रिकॉर्ड है कि जो आज डॉलर की नई हद सामने आती हुई नजर आ रही है। मुख्तसर से अरसे के दौरान डॉलर का इतना बड़ा जो कदर में इजाफा शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ना देखा गया हो, जो आज देखा जा रहा है। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो हुकूमत की तमाम तर तवज्जो, तमाम दर कुव्वत जो है वो इस वजारत आला के ऊपर मरकूज है क्योंकि हुकूमत को इस बात का बेहद बेहतरीन अंदाज से इदराक है कि अगर पंजाब की वजारत आला अगर मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के हाथों से निकल जाती है तो फिर हुकूमत का सरवाइव करना और महज इस्लामाबाद तक महदूद हो जाना ये बड़ा मुश्किल मरहला होगा। इस पर आने वाले दिनों में मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। प्रोग्राम में इस वक्त आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।